जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका अपने YouTube चैनल अग्नि वीर एकेडमी पर स्वागत है। आज आप जान रहे हैं संडे है और संडे आपका स्पेशल क्लास चलता है, क्योंकि हम लोग संडे को जो हफ्ते भर पढ़ाया जाता है या इसके पहले जितना आपका चल चुका है चैप्टर, उन सबको हम लोग रिविज़न क्लास में लेके चलते हैं। और आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ मस्त अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। और देखिए, आप लोग को पता है कि SSC GD भी आ गया है। बहुत सारे देखिए मैथ का लेवल जो है, मैथ ऐसे ही आता है, मैथ कुछ और अलग नहीं है। चाहे आप GD देखें चाहे आर्मी के लिए, मतलब वही सब रहेगा सब कुछ। इसलिए कुछ और अलग से आपको नहीं पढ़ना। अगर आप जो क्लास हम बता रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, अगर आप उसको कायदे से पढ़ ले तो आपका GD भी क्लियर हो जाएगा मैथ में, ठीक है। या सर जो लोग पढ़ा रहे थे GS, देखिए GS कुछ अलग और थोड़ी है, इसी को पढ़ते जाओ भाई, इन्हीं सबसे प्रश्न बनेंगे। आपका ये कुछ चेंज हो जाए तो किसी का डेट है सन पता है, अगर उसका कुछ बदलेगा थोड़ी भाई, वही कुछ रहेगा। और मैथ में भी जो आपको लेवल चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पढ़ सकते हैं, 100% आप दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए अच्छे ढंग से भाई मेहनत करो और पढ़ाई में लग जाओ। और संडे स्पेशल बनाओ भाई संडे, क्योंकि हम लोग अच्छा जो मैराथन आपका रिवीजन चल रहा है, इस श्रृंखला को भाई ज़रूर पढ़ा करें। अगर पढ़ेंगे तो 100% है आपका, क्योंकि तैयार होता जाएगा। और जितना भी क्वेश्चन जैसे छूटा रहता है या बीच के भी, हम लोग संडे को ज़रूर उसमें डालते हैं, ठीक है। चलिए, आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। और वीडियो को भाई आप लोग शेयर कर दीजिए, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ठीक। पहला क्वेश्चन देखिए हम लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे दे रहा 574873 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। मतलब आपसे कह रहा है कि स्थानीय मान का आपको 7 का निकालना। जैसे देखिए यहाँ पे डबल 7 एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, दोनों 7 का आपको उसका मान निकाल के उसके बाद अंतर निकाला। अंतर का मतलब क्या होता है भाई, तो कहेंगे घटाना होगा। चलिए देखिए, एक होता है स्थानीय मान, एक होता है भाई जातीय मान। क्या होता है, तो जातीय मान कभी कभी दे देता है कि स्थानीय मान, जैसे 7 का दे दिया, 7 का कह दे स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए। तो जातीय मान का मतलब होता है फेस वैल्यू, मतलब जो संख्या कह रहा है वही उसका क्या होता है भाई जातीय मान। अगर जैसे आपसे कहा जा रहा 8 का जातीय मान तो कहेंगे 8 होगा, अगर 3 का कहा जाए तो 3 होगा। मतलब जिस संख्या का जातीय मान कहा जाएगा वही संख्या उसका क्या होता है भाई जाति होता है, जाति बदलती नहीं है उसकी। चलिए, स्थानीय मान का मतलब वो किस संख्या पे है, इकाई पे है, दहाई पे है कि सैकड़ा पे है, तो उसके उसके स्थान के हिसाब से उसको लिखना पड़ता है भाई। एक दशमलव से भी आता है, तो यहाँ हम समझेंगे उसको भी। सबसे पहले इसको समझे प्रश्न में क्या कह रहा है। देखें यहाँ प्रश्न में क्या है, आपसे 7 का स्थानीय मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले निकालें दोनों 7 का। यहाँ लिखे 7 4 8 7 3। अब इसमें हम 7 का स्थानीय मान निकालें और इस 7 का स्थानीय मान निकालें। चलिए निकालते हैं भाई। देखिए यहाँ पर, देखिए इस 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 7 लिखे, 7 के बाद कितनी संख्या, तो कहेंगे 1 1 0 आपका बढ़ेगा। इस 7 के पीछे देखिए कितनी बार है, तो कितने अंक है, 4 अंक है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, 4 0 लगाएंगे। कितना 0 लगाएंगे, 4 0। अब आपको अंतर करना, अंतर का मतलब क्या है घटाना। तो आप बड़े में से छोटा भाई घटा दीजिए, बड़े में से छोटा क्या कर ले भाई, तो घटा दें। चलिए घटाते हैं। यहाँ पे देखें, दोनों मानों को घटाएंगे। यहाँ पे लिखें 70,000 और यहाँ पे 70। आप घटाएं तो घटाएंगे तो क्या होगा भाई, 0। एक उधार लेंगे, देखो भाई यहाँ 0 में से गया तो 0 आया, लेकिन इसमें से क्या हुआ, नहीं जाएगा। घटाएं तो यहाँ पे अगर 0 में से गया तो 0। अब इसमें देखिए 0 से तो जाएगा नहीं, तो आपको इससे उधार लेना पड़ेगा। इसके पास भी नहीं, इसके पास भी, तो आप इससे लेंगे 7। जब 7 से लेंगे तो ये बनेगा 10, ये इसको देगा, ये बनेगा 10, ये बच जाएगा 9 भाई, और ये बनेगा 10, ये 9। तो 10 में से 7 गया तो कहेंगे 3 आएगा, ठीक है। यहाँ 9 था, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ भी 9 तो 9, यहाँ सबको उधार दिया था, कितना बचा भाई, तो 6। तो आंसर आ गया आपका 69,930। कितना आ गया, 69,930। कौन सा ऑप्शन, तो कहेंगे पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर होगा। जैसे दशमलव वाले में क्या होगा, यहीं पे हम आपको दशमलव वाला समझा दे रहे हैं स्थानीय मान कैसे होता है। देखिए इसका स्थानीय मान जितना अंक पीछे उतना 0 बढ़ाना पड़ता है। अब दशमलव वाले में क्या होगा, जैसे हम ले लें 43.21, हमसे पूछ लिया जाए 1 का स्थानीय मान। देखिए यहाँ पे दशमलव वाले में दशमलव से ही पूरा खेल होता है भाई। यहाँ पे अगर 1 का पूछा जाए तो 1 का स्थानीय मान, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ दशमलव से ही आधा आधा बढ़ता है। ठीक है। तो एक का निकालना, तो एक के पहले यहाँ पे कितनी संख्या है इसको देख के हम लोग दशमलव लगाते हैं। अगर एक संख्या है एक जीरो लगाएंगे, यहाँ उसके बाद दशमलव लग गया। अब दशमलव के पहले आप जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दो का स्थानीय मान आपसे पूछा जाए तो दो लिखेंगे, और दो के पहले देखिए कोई संख्या है इसमें, दशमलव तक ही देखना है भाई, दशमलव के पहले नहीं, मतलब इसके आगे अब नहीं देखना है। यहाँ पे तो कहेंगे कोई अंक नहीं, यहाँ पे सिर्फ दशमलव लगा, जीरो नहीं बढ़ेगा, तो दशमलव क्या हो गया, दो आ गया। अगर आपसे तीन का स्थानीय मान पूछा जाए तो अब आपको पीछे भी नहीं देखना है, दशमलव वाले में इसके बाद वाले में पहले लगाते, इसके पहले वाले में बाद में लगाएंगे। अब कहेंगे तीन के बाद कोई अंक नहीं, इनको छोड़ देना है भाई, तो तीन के बाद कोई नहीं, तो तीन का तीन स्थानीय मान हो जाएगा। अगर चार का, तो चार का देखेंगे, चार के बाद एक अंक, तो एक जीरो बढ़ेगा, तो दशमलव वाले का स्थानीय मान ऐसे निकाला जाता है भाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है भाई गुणा करना है, क्या करना है आपको, गुणा करना है। चलिए आप लोग इसका गुणा कर लीजिए, ऊपर नीचे ही लिख के कर लें, इसमें आसान बन जाएगा। देखते हैं इसको, यहाँ पर कितना है, कहेंगे 38, 97, उसके बाद आपको किससे गुणा करना है, तो कहेंगे 999 से गुणा करना है। देखिए कभी कभी कैलकुलेशन के प्रश्न आ जाते हैं, तो कुछ नहीं, आपको गुणा भाग तो आना चाहिए, ये तो नॉर्मल है। ओके चलिए इसको गुणा करते हैं हम लोग। देखें यहाँ पे, अगर हम 9 से गुणा करें तो कितना होगा, कहेंगे 9 से 63, देखिए 9 का पारा सब में पड़ना, 9 से 63 की 3 हासिल 6, उसके बाद 9 9 81, 81 6 जोड़ेंगे तो 87, हासिल 8 बच गया, 9 8 72, 72 में आप 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 79 हो जाएगा, 79 की 9 हासिल 7, उसके बाद 9 3 27 हो जाएगा, 27 में आप 7 जोड़ दिए जो हासिल बचा था, तो 27 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, कहेंगे 34 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 34 हो जाएगा। अब आपको बार बार ये गुणा नहीं करना है, क्योंकि 9 से ही तो फिर से पहाड़ा पढ़ना है। अब एक अंक छूटता है भाई, क्योंकि 9 से करेंगे तो इसके नीचे से लिखना है, तो यहाँ पे 3 7 9 और 4 और 3, फिर एक बार और 9 से करना है, तो फिर से ये लिख दीजिए 3 7 9 4 और 3। अब आप सबको जोड़ लीजिए भाई, आपका वही क्या है, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 आएगा, 7 3 10 की 0 हासिल 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ जोड़ेंगे 7 3 10, और 10 9 कितना हो जाएगा, 19, 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20, 20 की 0 हासिल 2, यहाँ पे अगर जोड़े तो 2 हासिल जोड़ दें डायरेक्ट यहाँ पे, तो 7 2 9 9 9 18, 18 4 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 22, 22 की 2 हासिल 2। यहाँ पे अगर हम इसको जोड़े तो 9 4 कितना, 13 हो जाएगा, 13 3 कितना हो जाएगा भाई, तो कहेंगे 16, और 16 में 2 हासिल जोड़े तो 18 की 8 हासिल 1 बचा, 4 3 7, 7 में 1 जोड़े तो 8, यहाँ पे 3, ठीक। अब आपको कौन सा विकल्प ऐसा दिख रहा है, 38 82 00, एक मिनट अगर देख लें कैलकुलेशन सही है भाई। 3 यहाँ पे 7 3 10 की 0 हासिल 1, इसके बाद यहाँ पे जोड़े 7 3 10 19 20 हो गया, 20 का 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 7 कितना हो जाएगा भाई, तो कहेंगे 16, और 16 में 4 जोड़े तो 20, 2 22 की 2, यहाँ पे 4 3 7, और 7 और 9 कितना होगा, 16, एक मिनट यहाँ पे, हाँ 9 4 13 13 3 कितना, 16, और 16 2 कितना हो जाएगा, 18 की 8 हासिल 1, 4 3 7 1 8, यहाँ पे 3। इसका मतलब यहाँ विकल्प में कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि 38 82 कहीं नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या होगा भाई, राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर देखें 107 × 107 प्लस 93 × 93 बराबर x, आपको इसका मान बताना है, आंसर इसका क्या होगा भाई, ठीक है। चलिए एक तो है भाई आप इसका गुणा कर सकते हो, 107 × 107, आप 93 का या तो स्क्वायर निकाल लीजिए, 107 का स्क्वायर निकाल लीजिए, क्योंकि सेम संख्या है, आप कर सकते हैं, और 93 का आप मान निकाल लीजिए। चलिए इसको हल करते हैं, कैसे करना है सबसे पहले समझें। एक तो है भाई आप अगर सूत्र लगाना चाहे तो सूत्र से भी होगा, क्या होगा, सूत्र से भी होगा, लेकिन आपको उस बेस पर नहीं करना है, समझे। यहाँ पर कैसे, जैसे अगर 107 का गुणा किया जाए किससे कर ले भाई, कहें 107 से आप कर सकते हो, 7 7 49 की 9, और यहाँ पे 7 0 0 तो हासिल क्या होगा, 4 बचा तो पूरा लिखा जाएगा, 7 1 कम 7। यहाँ इसके बाद 0 से करना है, तो एक अंक छूटा, 0 0 0 हो गया, फिर आपको एक से करना है भाई। देखिए कोई वो नहीं है, जल्दी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे इससे 7 से 1 से करेंगे तो 7, यहाँ पे 0, यहाँ पर 1, जोड़ो भाई इसको तो कहेंगे 9, यहाँ पे आपका 4, यहाँ पे 7 7 14 की 4 हासिल 1, यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो कितना 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1, तो मान कितना आ गया भाई, कहेंगे 11 44 9, मतलब 11,449 आ गया। अगर 93 का निकाल लीजिए, चलिए 93 का निकाल लें, तो चाहे 93 का ऐसे भी एक गुड़ा होता है, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं भाई, चाहे इसको गुड़ा करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आसान भी कर सकते हैं। अगर देखे तो कहे 100 से कम, इसमें 100 से ज्यादा था, ये 100 से क्या है भाई, तो कहेंगे कम है। 100 से कितना कम है, तो कहेंगे 7 कम है। इस तरह से भी आप गुड़ा कर सकते हो, जल्दी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी इसका गुड़ा करो, 7 7 कितना होगा, 49 हो जाएगा। अब आप 93 में से चाहे 7 इससे, मतलब तिरक आपको घटाना पड़ता है, चाहे इसमें से घटाएं चाहे इसमें से घटाएं, एक ही मान है तो चाहे जो घटा ले। तो 93 में से आपका 7 जाएगा तो कितना बचेगा, कहेंगे 86 आएगा। कितना आएगा भाई, कहेंगे 86, इसका गुणा हो गया। ये भी आपका डायरेक्ट गुणा करने के लिए, कैसे, कितना कम, 100 से कम 7, तो 7 7 49, इसमें से आप घटा लो, डायरेक्ट आपका गुणा हो जाएगा। चाहे ऊपर नीचे करोगे तब भी वही मान आ जाएगा। ठीक, देखें इसको, फिर आप दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़े तो यहाँ पे कितना आया, तो कहेंगे 11 44 9, और यहाँ पर मान कितना है भाई, 86 49 है। यहाँ पे प्लस का चिन्ह था इसलिए जोड़ा जा रहा है भाई, तो प्लस लगाएं। अब जोड़ दें, यहाँ 9 9 18 की 8 हासिल 1 हो जाएगा, 4 4 8, 1 हासिल 9 कितना होगा भाई, 9। यहाँ पे 6 4 10 की 0 हासिल 1, यहाँ पे कितना होगा, 8 1 9, 1 हासिल 10, 10 की 0 हासिल 1, 1 में 1 और जोड़ दें हासिल तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 2 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 20,098। कौन सा ऑप्शन भाई, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका दिख रहा है, आपका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखें। देखिए गुणा करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, अगर आप गुणा यहाँ भी करना चाहे अलग से, इसको भी कर सकते हैं। कैसे, देखना हम बता दे रहे हैं, इसी का शॉर्टकट गुणा अगर आपको करना है, चाहे इस तरह से, जैसे 107 था, हम 107 लिखे, गुणे 107 अगर आपको करना ही है भाई, तो 7 कितना था, इससे ज्यादा था भाई, 100 से ज्यादा है। देखिए 100 के ऊपर ही डिपेंड करती है, 100 से क्या था, कम था, तो आप इसका पहले गुणा करें, 7 7 49 हो जाएगा। उसके बाद अब आपको देखिए यहाँ प्लस है तो जोड़ना पड़ेगा, 107 में 7 जोड़े तो कितना आएगा, 114 आएगा। तो दोनों ही तरीका, चाहे ऊपर नीचे लिख के करो भाई, चाहे आप ऐसे डायरेक्टली गुणा कर लो, तब भी आपका मान हो जाएगा। ओके, चल प्रश्न देखते हैं अगला भाई। देखिए 1.36 ऊपर क्या लगा है भाई, बार लगा है, किसी साधारण भिन्न के बराबर है। अब आपको मान बताना है इसका क्या होगा, साधारण भिन्न के बराबर आपसे पूछा जा रहा है, मतलब उसको बार में है तो आपको भिन्न के रूप में लाना है, नॉर्मल भिन्न में कैसे लाएंगे। देखिए सबसे पहले भाई, एक तो होता है इसको सही में प्रश्न देना, मतलब सही के रूप में कैसे प्रश्न रहेगा, जैसे कह दे उसका उत्तर आ जाए 2 सही 3/4 या 5 सही, कुछ भी आ जाए, लेकिन यहाँ पर आपका बटे में है प्रश्न, तो बटे वाले को बटे में ही लाएंगे। कैसे, देखिएगा यहाँ पर है क्या मान भाई, तो कहेंगे 1.36 और 3/6 के ऊपर बार है। अगर आपको डायरेक्ट बटे में लाना है, तब सही में नहीं ले जाना है, तो दूसरा तरीका लगा देते हैं। देखें इसको, यहाँ पे जितना मान रहे उसको लिखेंगे, जितने अंक पर बार का चिन्ह नहीं लगा रहेगा उसको हम लोग माइनस करेंगे, यहाँ पे -1, क्योंकि 1 के ऊपर बार नहीं लगा है, बटे करेंगे। उसके बाद जितने अंक पर बार रहेगा उतना अंक, उतनी बार हम क्या बढ़ाएंगे, 9 बढ़ाएंगे। तो नीचे क्या होगा, 2 अंक पे है तो 2 बार 9 बढ़ाए। इसकी क्लास चल चुकी है, बेसिक क्लासेस चल चुके हैं, प्ले लिस्ट में वीडियो है भाई, आप जाके उसको पढ़ लीजिएगा, आपको पता चलेगा, साधारण भिन्न की क्लास हुई है। ओके, देखें यहाँ पे, अब इसको हल करें भाई, कितना 1 गया तो कितना बचेगा, कहेंगे 135 बटे कितना, तो कहेंगे 99। ठीक है, अब आप इसको काट लीजिए, छोटा करते जाइए, आपका मान आ जाएगा। चाहे आप 3 से काट लीजिए, 3 से कट सकता है, तो 3 से काटे भाई इसको, तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 3 चौक 12, 1 बचेगा, 3 5 15, 3 5 15। या आप 9 से भी काट सकते हो, 9 से काटोगे तो कितना होगा, 15 आएगा। डायरेक्ट आप 9 से ही काट दें, 1 मिनट, यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट काटना चाहें तो डायरेक्ट काट सकते हैं, या 3 के पहाड़े में कट सकता है भाई। अगर 9 से काटेंगे तो कितना होगा, 9 1 कम, 9, यहाँ पे 4 बचेगा, 4 इसके बगल 45, 9 बचे 45, 9 से काट दे, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9। आंसर कितना आ गया भाई? कहेंगे 15/11 आ गया। भाई इसको सरल करना होता है, तो कौन सा ऑप्शन है 15/11? तो कहेंगे ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। ओके, आप लोग देखो भाई, पढ़ते जाओ और जितना क्वेश्चन है उसको लगाओ, रिपीट करो। इसीलिए हम संडे स्पेशल इसीलिए लाया जाता है भाई, कि जो कुछ आप भूले हो उसको फिर से आप लोग ताजा कर लें। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न हाँ सरलीकरण से है। जैसे आपसे प्रश्न कह रहा भाई, यहाँ पर देखें, यहाँ पे कह रहा किसी धनराशि का 5/12, कोई धनराशि है। देखिए धनराशि नहीं पता, धनराशि को आप यक्ष मान सकते हो, कोई यूजेबल नहीं है, कुछ नहीं करना, सिर्फ मानना है, तो मान सकते हैं धनराशि क्या यक्ष। फिर कह रहा धनराशि का मतलब क्या होता है भाई? गुणा। तो कितना है? 5/12 बराबर। उसके बाद कह रहा 100 रुपए का, मतलब क्योंकि इसके बराबर कह रहा तो बराबर का चिन्ह यही लग गया। यहाँ पे 100 रुपया है, 100 रुपए की कितना कह रहा भाई? कह रहा 15/4, 15/4। बस आपको हल करके आंसर लाना है भाई। तो देखो अगर आप काट सको तो काट दो भाई, कट जाएगा। यहाँ से नीचे कटेगा, ऊपर से ऊपर काट सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको हम काटें तो 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12 हो जाएगा भाई। अगर हम इसको 5 से काटें तो 5 एकम 5, यहाँ पे 5 तिहाई क्या होगा भाई? तो कहेंगे 15 हो जाएगा। अब आप तिरछा गुणा करो भाई, देखो ऊपर ऊपर से गुणा, यक्ष एकम यक्ष, अगर तिरछा गुणा करेंगे यहाँ पर तो यक्ष, जैसे लिख दें यहाँ पे बचेगा यक्ष, नीचे क्या बचेगा भाई? 3। यहाँ कितना बचा? 100 तिहाई कितना हो जाएगा भाई? 300 हो जाएगा। नीचे कुछ नहीं, 1 बचा है। तिरिया गुणा कर लो भाई, यक्ष एकम यक्ष, और 3 से करोगे 3 तिरिका 900। तो आपका कौन सा ऑप्शन? तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा भाई? राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए कह रहा वह सबसे बड़ी संख्या याद करें जिसमें 28, 40 एवं 31, 14 में भाग देने पर क्रमशः 5 एवं 9 शेष बचता है। देखिए जब भी आपका बड़ी संख्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? बड़ी संख्या कहा जाएगा। बड़ी संख्या या अधिकतम संख्या कहा जाएगा तो प्रश्न मासा से होता है। किससे होता है? मासा, महत्तम समापवर्तक, HCF से होता है भाई। अगर आपसे यहीं पर छोटी संख्या कहा जाए तो छोटी संख्या का मतलब होता है लासा से। क्या होता है? लासा से होता है। हम आपको नियम बता चुके हैं पहचानने का ढंग भी, कि बड़ी संख्या कैसे और छोटी संख्या कैसे। इसका नियम भी लिखा है अलग अलग, कि अगर शेषफल, देखिए लासा में क्या होता है, अगर शेषफल एक बार दिया रहता है तो शेषफल को हम हमेशा लासा में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अगर कई बार शेषफल रहता है तो समान अंतर करके उसे क्या करते हैं भाई? लासा में से घटाते हैं। लेकिन यहाँ पर है मासा। मासा में हमने आपको वहां पर नियम लिखाए हैं, मासा में जितनी बार शेष बचेगा, चाहे एक ही बार बचे चाहे कई बार बचे, पहले उसे संख्या में से घटाते हैं, उसके बाद हम लोग मासा निकालते हैं। ओके, चलिए प्रश्न देखते हैं कैसे करना है। देखो भाई यहां पर अगर कहा जाए तो कितना है भाई? कह रहा 28, 40 है। अब आपको क्या करना है? सबसे, एक मिनट नीचे लिखा जाए, यहां पे हमारा 28, 40। दूसरा मान कितना है? दूसरा मान कह रहा 31, 14 है। सबसे पहले जो क्रमशः शेषफल कह रहे हैं उसे हम घटाएंगे। यहाँ 5 एवं 9 कह रहा है, इसमें से 5 घटा दें, और इसमें से 9 है तो 9 घटाएंगे। अब दोनों का पहले मान निकालें। अब आप इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 28, 35, क्योंकि 40 में से 5 गया, 35। इसमें से घटा दें भाई 31, 14 में से 9 गया तो कितना बचेगा भाई? तो कहेंगे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का भाई आपको मासा निकालना है। क्या करना है? इन दोनों का भाई मासा निकालना है। किसका? देखिए यहां पर 28, 35 और 31, 05 का आपको क्या निकालना है भाई? मासा निकालना। मासा कैसे निकलेगा सबसे पहले ये समझेंगे। मासा का मतलब ऐसी संख्या ले जो सभी में क्या हो भैया? कॉमन हो। क्या हो? उभयनिष्ठ हो। वही संख्या क्या होती है भाई? मासा होती है। एक तो है, आप ऑप्शन वाइज करते जाओ, सब में क्या करो भाई? पहले ऑप्शन से भाग कर दो, अगर पूरा पूरा कट जाए वही संख्या हमारा आंसर है। चाहे इससे ले चाहे इससे, मतलब किसी से भी कर सकते हो। ठीक है, तो पहली बात तो देखिए सबके अंत में आपको क्या दिख रहा है भाई? जीरो दिख रहा है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो है तो किनारे आपका 5 है तो बिल्कुल कटेगा नहीं, ऐसा नहीं कट सकता है लेकिन यहाँ पे नहीं। चलिए देखते हैं कैसे लगवा देते हैं। पहला काम करेंगे अंतर लेने वाला, अंतर लेके देखिए भाई, जो छोटी संख्या से, इसमें 2 ही संख्या है, कई संख्या होती है, तो जो प्रथम और दूसरा छोटे अंक होते हैं उन्हीं का अंतर लिया जाता है। अब आप इसमें से घटाएं भाई, अंतर कितने का आएगा, बड़े में से घटाएं तो 5 में से 5 गया तो कहेंगे 0 आया, यहाँ पे 10 क्योंकि उधार लेंगे 10 में से 3 गया तो कहेंगे 7 आएगा, यहाँ पर एक दे दिए थे उधार तो 0, यहाँ पे 10 होगा 10 में से 8 गया तो कहेंगे 2, इसको उधार दिए तो 2, 2 में से 2 चला गया कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे मान आ गया अंतर कितना 270। अब आप देखिए भाई, अब विकल्प से ही करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे। 270 से क्या 135 कटेगा, 135 या इसमें जाएगा पारा, नहीं जाएगा। इस संख्या को तोड़ते हैं, इसको 2 से काट दें, हम क्या करें 2 से काट दें, तो 2 से जब काटेंगे भाई तो यहाँ पे हो जाएगा 135, यहाँ पे 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए भाई यहाँ पे क्या करना है, 2 से देखिए मासा का मतलब ऐसी संख्या लो जो सब में चला जाए भाई, क्या चला जाए, मासा में सब में आपका चला जाए। अब अगर यहाँ पे अगर 2 से काटा जाए तो 2 से ये कट सकता है लेकिन ये आपका क्या होगा भाई, नहीं कटेगा, ये क्या होगा संख्या आपका नहीं कटेगा, इसका मतलब 2 तो आपका मासा नहीं होगा, तो बचा 135। अब 135 इसी से तो प्राप्त है और यहाँ पे 135 आ भी रहा है, इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ मासा क्या होगा भाई, 2 ना होके ये नहीं होगा, मासा हमारा 135 हो जाएगा। ठीक है, या चाहे आप भाग विधि से कर सकते हो भाई, इससे भाग कर दो, आपका आंसर 135 ही आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न भी कह रहा, वह बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 284, 698 एवं 16, 18 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। देखिए यहाँ पे भी मासा आपको निकालना है, तो यहाँ पे मान सबसे पहले लिखें, कितना है 284 है तो 284, उसके बाद कितना है 698, उसके बाद मान कितना है 16, 18, 1618। अब इसमें से क्या करते हैं भाई, जितना आपका शेषफल है, मासा में हमने बताया चाहे 1 बार हो चाहे 2 बार हो चाहे जितनी बार हो, उसे क्या करते हैं शेषफल में से हम घटाते हैं। 8 घटाएं सब में से, यहाँ भी 8 आपका घटेगा और इसमें से भी 8 आपका घटेगा भाई, तो यहाँ पे घटाए तो कितना हो जाएगा 14, 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 14 में से 8 गया तो 6, यहाँ 7 बचा, यहाँ कितना बचा 2 बचा, 8 में से 8 गया तो 0, यहाँ पे कितना 9 हुआ भाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा 698 है राइट, यहाँ पे आपका 6 हो गया। उसके बाद यहाँ पर कितना है तो कहेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 16, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब आप मासा निकालें भाई, मासा निकालेंगे। देखिए मासा में क्या करें, सबसे छोटा जो 2 हो उसको लेके चलें, या आप चाहे भाग विधि लिख लें भाई, या देख लें किससे कट सकता है, ऐसा विकल्प लें जो सबसे कट सकता है भाई। ओके देखिए अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या है 3 से कटेगा, 3 से देख लें तो 3 से कटने का नियम हम आपको पढ़ा चुके हैं। 3 से कटने का नियम क्या होता है भाई, यहाँ पर अगर सारे अंकों को जोड़ो, अगर वो 3 से कट जाए, क्या करें 3 से कट जाए तो वही मान हो जाएगा, तो 3 के विभाज्यता का नियम हम पढ़ा चुके हैं। तो 3 से चेक कर लें भाई, यहाँ पे देखें 7, 2, 9, 9, 6 कितना हो जाएगा तो 15, 3 के पहाड़े में आ जाएगा। इसको देखें 3 से भी कट जाएगा, देखिए 9, 6 कितना हो जाएगा, 9, 6 कितना 15, ये भी कट जाएगा। यहाँ पर देखें 6, 1, 7, 1, 8, लेकिन 8 आपका मतलब ये नहीं कटेगा, इसका मतलब मासा 3 तो आपका बिल्कुल है ही नहीं। ओके अब आप एक चीज और देखो, 6 में भी आपका 3 मिलेगा क्योंकि 3 दूना 6, जब यहाँ से 3 निकल गया तो ये भी ऑप्शन आपका खत्म। अब 1 और 2, 1 का पारा तो सब में जाता है भाई, सब में अगर आपका कुछ मान नहीं मिला तो न्यूनतम मान क्या हो जाता है, मासा में 1 हो जाता है। यहाँ पे बचा 2 से चेक कर लें तो 2 से देखिए अगर किनारे भाई अगर 0 रहे, क्या रहे 0, 2, 4 और 6 और 8 रहे तो इसका मतलब 2 से कटना फिक्स है भाई, तय है कटना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा 6, 0, 0 दिख रहा है, इसका मतलब मासा हमारा क्या होगा भाई, तो कहेंगे 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो कहेंगे 2 हो जाएगा। चलिए या अगर आप इसका अंतर लेना चाहते हैं तो अंतर विधि भी कर सकते हो भाई। देखिए एक तरीका तो यही है सबसे सिंपल, अगर आप ऑप्शन काट लें जल्दी हो जाए क्योंकि बड़ी संख्या आ जाती है, नहीं तो आप ऑप्शन वाइज करें, सॉरी इसको अंतर विधि करें। अंतर विधि कैसे होता है इसको देखेंगे। देखिए अंतर विधि क्या होगा, बढ़ा जाएगा। ओके अगर आप अंतर विधि से करके देखिएगा, ट्राई करिएगा, नहीं तो हम फिर से अगले क्लास में हम लेके जरूर चलेंगे। ओके चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का लासा तथा मासा दिया जा रहा है, पहली संख्या दिया जा रहा है तो दूसरी संख्या ज्ञात कर रहा है। ठीक है दूसरी संख्या बराबर क्या होता है हम आपको बता चुके हैं। देखिए पहली की क्लास अगर आप रिवीजन किए होंगे तो आपको समझने में इजी बनेगा भाई। ओके पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, तो लासा गुणे मासा होता है भाई। ये फार्मूला है इसका, जिसका मान पूछा जाए भाई उस पे आप भाई उस मान को ज्ञात कर सकते हो इस फार्मूले से, क्योंकि तीन का मान देगा, एक का मान आपसे पूछेगा, चाहे पहली संख्या है चाहे यहाँ पे दूसरी संख्या है। क्या है भाई, दूसरी संख्या है। एक मिनट यहाँ पे चलिए एक बार मिटा ही देते हैं इसको। दूसरी संख्या है बराबर कितना था, तो लासा गुणे मासा है, मासा। देखिए प्रश्न इजी है, बस आपको समझाने के लिए है भी जरूर। ओके तो पहली संख्या कितना, पहली संख्या आपसे दे रहा 10 गुणे दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है, दूसरी संख्या बराबर लासा का मान तो कहेंगे 40, मासा का मान तो कहेंगे 2। अब ये गुणे में इधर किस में जाएगा भाई, तो कहेंगे बटे में जाएगा। चाहे आप ऐसे ही काट दो, 10 चौक 40, 4 बार गया 4 दूना 8, 8 आपका आंसर। चाहे लिख के देख लें। देखिए दूसरी संख्या बराबर 40 गुणे 2 बटे 10, 0 से 0 आपका पूरा कट गया तो 4 बार 4 दूना कितना हो जाएगा भाई, तो कहेंगे 8 हमारा राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे डी ऑप्शन। देखो तो वहां पे क्या करना, प्रश्न में ये सब कुछ नहीं करना, सिर्फ इन्हीं को देखो भाई। पहली संख्या जितना रहे इसमें सिर्फ काट दो, लासा मासा में कोई भी कटे काट सकते हो। अगर जैसे यहाँ 10 से काटे तो कहेंगे 10 चौक 40, और 4 और 2 का गुणा कर लो तो 4 दूना क्या हो जाएगा भाई, कहेंगे 8 हो जाएगा। ठीक चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है 9, 27 और 54 का मासा ज्ञात करें। देखिए मासा का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जो सभी में क्या हो भाई, कॉमन हो। तो सबसे पहले एक काम देखा कर, जब मासा ज्ञात करने के लिए सबसे छोटी संख्या देखा जाता है, क्या सबसे छोटी संख्या का पहाड़ा जा रहा है सब में, तो कहेंगे हाँ 9 का। देखिए सबसे छोटा संख्या क्या है भाई, 9 है, 9 का पहाड़ा 27 में भी जा रहा है, 54 में भी जा रहा है। जब सभी में चला जाए वही हमारा क्या होता है भाई, मासा होता है। इसमें मासा क्या आ जाएगा, तो मासा कहेंगे क्या कॉमन है सब में, तो कहेंगे 9 कॉमन है, तो मासा हमारा 9। तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा भाई, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। देखिए ये प्रश्न क्या है, सबसे पहले इसको समझना। प्रश्न इस तरह से है, प्रश्न है यक्ष की घात 3/8 है भाई, उसके बाद इसकी घात फिर से है यहां पे कुछ इस तरह से है 1/2 बराबर यक्ष है भाई। प्रश्न इस तरह से है वो। अब देखना भाई हम आपको बता, यहाँ पे मान क्या है, हाँ नहीं यहाँ पे बराबर ना लिखें क्योंकि आपको इसका वैल्यू ही तो बताना है। यहाँ पे आपका ये बराबर नहीं रहेगा भाई, क्या रहेगा बराबर, आपका ये चीज नहीं रहेगा। ओके क्योंकि आपको इसी का तो मान पूछा जा रहा है, यक्ष तो यहाँ पे आपका पहले से ही दिया जा रहा है। चलिए देखते हैं, या यहाँ पे अगर बराबर लगा के क्वेश्चन मार्क लगा सकता है भाई, ऐसे जैसे क्वेश्चन दे दे इस तरह से। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है भाई, घात से घात में गुणा हो जाता है। तो देखिए गुणा कैसे होता है, ऊपर ऊपर संख्या से होता है, नीचे नीचे से होता है। तो 3 एकम कितना हो जाएगा भाई, कहेंगे 3, और 8 दूनी कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 16। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। नहीं यहाँ पर मान 4 है भाई, यहाँ पे मान 4 है, यहाँ पे मान 4 दे रहा है। इसका मतलब यहाँ भी गलत। हाँ अब देखो भाई, तो घात से घात में गुणा होगा तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा, और 4 × 2 कितना होगा भाई तो 8 हो जाएगा। तो मान कितना आ गया यक्षी घात 3/8। कौन सा ऑप्शन? तो कहेंगे हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो भाई अपने दोस्तों में भी वीडियो को बहुत शेयर किया करें, देखिए उनका भी जो सपना है, आप ही के मित्र हैं, आप ही के दोस्त हैं, आप ही के यार हैं भाई, कम से कम उनका भी जोड़ें और उनका भी भला हो, क्योंकि ये परिवार आपका है, इसको भी क्योंकि ग्रोथ करना है, बढ़ाना है, इसलिए भाई आप लोग भी लग जाइए, मेहनत करिए। देखिए आप लोग के लिए हम लोग लेके चल रहे हैं पूरा बैच, सब कुछ फ्री है, पूरा जितना भी मटेरियल रहेगा सब आपके लिए उपलब्ध कराया जाएगा, और इसलिए भाई आप लोग भी हेल्प करें। ऐसा नहीं है कि कहते नहीं एक हाथ से नहीं भाई, दोनों को मिलना पड़ता है तभी आपका बनेगा, ठीक है भाई, जुड़ेगा। हाँ ओके चलिए यहाँ पर देखें कैसे करना है इसको। यहाँ पे क्या कह रहा है 5 × √3 बराबर x। आपको मान निकालना है, तो देखो भाई इसमें क्या होता है सबसे पहले समझना, सवाल तो बेहद आसान है। देखिए आपके एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न आता है, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे प्रश्न दिया जाता है। देखें इसको, यहाँ पे कह रहा है 5 × √3 बराबर x का मान निकालना है। अब इस प्रश्न का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये समझना भाई, ये होता है कि बाहर वाले का वर्ग करो और अंदर वाले से गुणा। बाहर वाले का वर्ग अंदर वाले से क्या होता है भाई तो गुणा। अगर हम 5 का स्क्वायर करें तो देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा तो कहेंगे 25 हो जाएगा। अब 25 कितना होगा भाई तो कहेंगे 75। तो क्या हो जाएगा x का मान √75 हो जाएगा। कैसे? अब इसी को मान लो इसके फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग इस तरह कर सकते हैं, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा कहेंगे 15, क्योंकि 5 × 1 = 5, 2 बचा, 5 × 5 = 25, फिर 5 से काटे तो 5×3 = 15, फिर 5 से 3 से काटे तो जिसका जोड़ा बनता है भाई उसको बाहर लिखा जाता है, और जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको रूट में लिखा जाता है। तो 5 √3 यही था, मतलब इसमें क्या हो जाएगा बाहर वाले का वर्ग और अंदर वाले से क्या होगा भाई तो गुणा हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? पहला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 10 से गुणा करने को कहा गया, किंतु उसने 7 से भाग दे दिया, बताइए कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई? आपको बताना है भाई कितने प्रतिशत की यहाँ पर त्रुटि हुई है। चलिए इसको देखेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसके लिए क्या होता है, एक फार्मूला भी अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो इससे भी कर सकते हो। इसमें अगर अलग अलग संख्या है, क्या है भाई अलग अलग संख्या है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसके लिए एक फार्मूला है -1 बटे क्या करें भाई तो xy गुणे में क्या निकाल लें 100, क्या कर लें 100 कर लें, आपका क्या हो जाएगा भाई मान मिल जाएगा। क्या हो जाएगा आपका मान मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो यहाँ पर देखें x और y का मतलब क्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कहेंगे 10 × 70 - 1, और यहाँ पे क्या करें भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 × 70 - 7, अब गुणे का 100%। हल करें इसको, तो यहाँ पे कितना होगा 10 × 70, 70 में से 1 गया तो आपका आएगा भाई देखिए 70 - 1 यहाँ पे 70 हो गया, अब गुणे का 100%। यहाँ पर देखें अगर 0 से 0 आप काट सकते हो भाई, कट गया। अगर इसको घटाएं भाई तो क्या बचेगा 69 बच जाएगा, और यहाँ पे 10 है तो 10 गुणा करेंगे तो 1 0 लग जाएगा। नीचे क्या बचा भाई तो कहेंगे 7 बचा। अब आप इससे भाग कर लीजिए, भाग करके बताएं कितना आंसर होगा। तो चलिए हम आपको भाग करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे 690 बटे 7, 7 से भाग करें भाई 7×9 कितना हो जाएगा तो कहेंगे 63। यहाँ पे घटाओगे भाई तो कितना बचेगा 9 में से 3 गया तो 6, 7 से करो 7 × 8 = 56, बचा कितना भाई तो कहेंगे 4। अब दशमलव लगाओ तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा भाई तो 0 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा फिर ले जाएं तो 7 × 25 = 35। अब समथिंग देखें 98.5, मतलब कुछ और आएगा। तो आपको पता है जब 50 से मान बड़ा होता है तो 1 जुड़ता है, तो 98.5 कितना आ रहा है 5, मतलब आगे भी ले जाएंगे। अब 5 बचेगा फिर 0 तो 7 × 7 = 49, आपका बढ़ता ही जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई तो कहेंगे बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। मतलब इसमें क्या करना कुछ नहीं, प्रश्न इजी है, ऐसा भी नहीं होता है। यहाँ पे देखा जाता है जैसे किसी संख्या में 10 से गुणा करने के लिए कहा गया, उसने किससे किया 7 से गुणा किया, तो देखा जाता है कितने का गैपिंग आया है और कुछ नहीं। यहीं पे डायरेक्ट आप करें 10 सत्ते 70, एक कम करो 69 बटे, क्योंकि 69 कितने का अधिक, तो नीचे वाले वही 10 से 70 में से ही एक कम कर लेते हैं तो कहेंगे 69 आ रहा है, और उसी को 100% से भाई गुणा कर लेते हैं, मान हल कर लिए। अगर यही मान सेम सेम होता, जैसे 10 से गुणा किया जाए 10 से भागी किया जाए, तो यहीं पे स्क्वायर लगा सकते हैं, x² बटे x² -1 गुणे में 100। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझना भाई इसको कायदे से। सबसे पहले कह रहा एक ही परीक्षा में ए कह रहा है 40% अंक लाकर 40 अंकों से फेल हो जाता है, तथा बी इसी परीक्षा में 60% अंक लाकर 40 अतिरिक्त अंकों से पास हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक क्या है? आपसे परीक्षा का पूर्णांक पूछा जा रहा है भाई। इसमें करना क्या होता है सबसे पहले आपको समझना है भाई। देखें यहां पर कह रहा एक ही परीक्षा में ए 40%, मतलब ए है और कौन है भाई, तो बी है। हम ए और बी, अब 40% अंक लाया है तो 40% अंक लिखे, लेकिन देखिए भाई ये 40 अंकों से फेल हो रहा है। अच्छा ये बताइए यहां पे हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, क्या चिन्ह लगाएंगे भाई, बराबर का लगाएंगे। यहां पर देखेंगे बराबर का चिन्ह लगाएंगे, तो बराबर का अर्थ होता है कि दोनों पक्ष क्या होने चाहिए भाई, बराबर आने चाहिए। अब इसमें देखिए अगर हम ये 40 अंक से फेल हो रहा है तो फेल के लिए भाई माइनस लगेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, क्योंकि दोनों को बराबर करना, दोनों को हमको पास करना है। अगर वही वो 40 अंक पा जाए व्यक्ति तो वो क्या हो जाएगा भाई, पास हो जाएगा। तो हम क्या करें, इसमें प्लस लगा दे 40। अब आपका बी कह रहा है 60% अंक पाया, बी कितना पाया भाई, तो 60 पाया है, इसमें हम 60 लिखें, 60%। अब कितना अतिरिक्त अंक पाया है, तो अतिरिक्त पाया है 40, मतलब जो पास होने का हमारा था परसेंटेज, उससे भी वो ज्यादा पाया है 40। अब इसको क्या करें, जो अतिरिक्त पाएगा उसको क्या करते हैं भाई, घटाते हैं, मतलब फेल वाले को जोड़ते हैं और जो पास वाला ज्यादा पाया उसको क्या करते हैं, घटाते हैं। अब क्या करेंगे भाई, परसेंटेज को एक तरफ कर लो और अंक को एक तरफ कर ले। यहाँ पे कितना है भाई, तो कहेंगे 40%, ये प्लस में है 60%, इधर आएगा -60% बराबर, ये -40 पहले से अंक है, ये +40 इधर गया तो कितना हो जाएगा भाई, -40 हो जाएगा। अब आप इसमें से घटाएं, 60 में से 40 से गया तो कहेंगे माइनस का 20% आया भाई, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 40 40 कितना होगा भाई, 80 हो जाएगा। अब देखिए 1% की वैल्यू निकाले तो माइनस से माइनस भी आपका क्या होगा, कट जाएगा, तो 1% बराबर क्या मिलेगा, 20 से भाग कर दो भाई, 20 चौके 80, 1% की वैल्यू कितना आ गया भाई, तो कहेंगे 4 आया। लेकिन हमसे पूर्णांक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है पूर्णांक बताइए। चलिए पूर्णांक देखें, तो पूर्णांक क्या है, पूर्णांक जो होता है भाई हमेशा परसेंटेज जो होता है 100% होता है, ठीक, तो पूर्णांक निकालना है तो टोटल पूर्णांक कितना होता है भाई, 100 का माना जाता है, तो 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे कुल के लिए, तो 4 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा, कहेंगे 400। कुल पूर्णांक कितना है भाई, यहाँ पे कुल लिख दें, कुल पूर्णांक हमारा कितना है, तो 400, क्योंकि 1% का वैल्यू 4 है। जब भी आपसे कहीं भी प्रश्न में कोई भी प्रश्न कुल की बात करेगा, 100 से आपसे गुणा करना है, यहाँ पे 100 चौका कितना होगा भाई, 400 हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन, तो कहेंगे सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। लेकिन अगर कभी कभी भाई देखिए यहाँ पे तो आंसर यही है, कभी कभी पूछ लेता है न्यूनतम अंक बताइए, मतलब पास होने के लिए न्यूनतम अंक बताइए या कितना प्रतिशत चाहिए। तो न्यूनतम अंक देखें कैसे, अगर यहीं आपसे कह दिया जाए न्यूनतम अंक, अब आप चाहे इसी 400 का न्यूनतम निकाल ले कितना अंक होगा, या चाहे आप चाहे जितना हम बनाए हैं इसमें चाहे मान रख लें चाहे इसमें रख लें, आपका हल हो जाएगा। चलिए देखें, चाहे ए में रखें चाहे बी में, मतलब एक ही है। तो यहाँ पे टोटल कितना आया, तो कहेंगे 400 आया, देखिए न्यूनतम अंक तो 400 आया मान, गुणे कितना परसेंट पहले कह रहा है, 40% प्लस 40 दे रहा है, तो 40% प्लस 40। देखो भाई 400 गुणे 40% हटाओगे तो नीचे बढ़ा भाई 100 प्लस का 40, ये 00 से 00 क्या हो गया भाई, कट गया, अगर इसका गुणा करें तो 4 चौक 16, 160 और प्लस 40, अगर दोनों को जोड़ दें तो 200 अंक क्या हो जाएगा, हमारा न्यूनतम अंक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 अंक। वो पास आए तो पास हो जाएगा, मतलब चाहे पास, ये भी वही आएगा कि 200 अंक हमारा न्यूनतम अंक है। अगर हम पूरे परीक्षा में 200 नंबर पा जाते हैं तो पास है। ठीक है, तो चाहे आपसे ये पूछा जाए चाहे ये आप कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है किसी राशि को यदि 2% और 3% बढ़ाया जाता है तो कुल प्रतिशत वृद्धि क्या होगा। देखिए इसको समझेंगे कैसे करना है। आपसे कह रहा है किसी राशि को 2% और 3% बढ़ाया जा रहा है, कुल प्रतिशत वृद्धि क्या होगा। तो एक तो है भाई देखिए वृद्धि हो रही है, तो हमने आपको इसका तरीका प्रश्न में सिखाया हुआ है कैसे इसको करेंगे भाई। जितना वृद्धि का है, एक तो भाई क्षेत्रफल, आयतन, जनसंख्या, हमने एक ही फार्मूले पर, मतलब फार्मूला नहीं लगवाया है लेकिन एक ही कॉन्सेप्ट में हम ये पूरी सवाल आपको करवा चुके हैं। देखिएगा एक तो है कि आप कैलकुलेशन करो, एक है इजी मेथड कैसे करेंगे। तो 2% बढ़ा रहा है तो बढ़ाने का मतलब भाई वृद्धि होता है 2%। उसके बाद आपसे फिर कह रहा है फिर बढ़ा रहा है तो प्लस लगाएंगे 3% कह रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई चीज नहीं, प्लस प्लस का गुणा क्या होगा, तो कहेंगे प्लस, इन दोनों को गुणे में रखें, बटे में क्या लगाएं भाई 100 लिखें। मतलब आपका एक यक्स प्लस वाई सूत्र होता है, यक्स गुणे वाई बटे क्या होगा भाई, तो 100 हो जाएगा। चाहे इस मेथड पे आप कर लें आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इन दोनों को जोड़े तो 3 2 कितना होगा भाई, कहेंगे 5। यहाँ पर अगर इनका गुणा करें तो 3 दूना कितना होगा भाई 6 हो जाएगा, नीचे 100 बटा 1 करें और तिर्यक गुणा कर दें। जब हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई मान, तो आ जाएगा आपका मान, तिरछा गुणा करें तो 100 पंचे 500 प्लस 6 एकम 6 और नीचे क्या हो जाएगा आपका 100 हो गया। अब इसको जोड़े तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 506 बटे 100 आ जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 506 बटे 100। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका दिख रहा है, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन हमारा क्या होगा भाई, राइट हो जाएगा। या इसको और बताते थे माइनस करके भी बताए थे, उस मेथड से भी लगा सकते हैं लेकिन इजी आपका यही बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है यदि किसी राशि में 5% और 6% की कमी की जाती है तो प्रतिशत कमी बताइए। सेम वही है, यहाँ पे कमी कह रहा है तो 5% कमी का मतलब क्या, देखिए प्लस को वृद्धि को नहीं दिखा जाता आगे लेकिन माइनस को आप दिखाएंगे। 5% कमी तो -5, फिर आपसे कह रहा 6% की कमी तो -6%। यहाँ पे माइनस और माइनस का गुणा क्या होगा भाई, तो कहेंगे प्लस, दोनों को गुणे में 5 गुणे 6 बटे में क्या लगा भाई, तो कहेंगे 100। अब आप इसको हल करें, माइनस माइनस प्लस लेकिन तब भी माइनस का ही चिन्ह लगता है, तो 6 5 कितना हो जाएगा भाई, तो कहेंगे 11 प्लस, यहाँ पे 6 पंचे 30 बटे का 100। अब 1 0 से 1 0 कट गया भाई, अब आप इसका तिर्यक गुणा कर लो भाई, कितना आएगा 11 धामा 110 माइनस, यहाँ पे तिर्यक करेंगे तो 3 एकम 3, नीचे आपका 10 एकम 10। अब भाई घटा लो, देखो घटाओ भाई कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा कहेंगे यहाँ पे 110 में से 3 गया तो आपका 107 बचा। कितना बचेगा भाई 107 बचेगा और बटे कितना होगा, तो कहेंगे 10 हो जाएगा। आपका पॉइंट में भी दे सकते हैं। यहाँ माइनस चिन्ह देखिए भाई ये दिखाता है, देखिए यहाँ पे माइनस बचेगा, माइनस चिन्ह कमी को दिखाता है। किसको दिखाता है भाई, तो कहेंगे कमी को दिखाता है, कितने परसेंट की कमी हो रही है। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हमारा क्या होगा भाई, राइट आंसर होगा। कितना, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न, यदि कुछ राशियों का योगफल 66 और औसत 6 है तो राशियों की संख्या बताएं। देखिए राशियों की संख्या आपसे पूछ रहा है, तो आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है, औसत बराबर, औसत बराबर, औसत बराबर, औसत बराबर योगफल मतलब कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। देखिए अब औसत का मान आपको दिया जा रहा है, औसत कितना दिया जा रहा है भाई, औसत कह रहा है 6, तो हम यहाँ पे 6 रखें। अब आपको कह रहा है योगफल कितना है, तो योग कितना दे रहा है भाई, तो कहेंगे 66। संख्या नहीं पता तो संख्या आपको ज्ञात करना, संख्या को मान ले हम यन, क्या मान ले यन, तेरिया गुणा करो भाई, या आप ऐसे काट सकते हो भाई, 6 से काट दो तो 6 एकम 6 और 6 से काटोगे तो कहेंगे 11, 13 गुणा करो तो यन एकम यन, और यहाँ पे कितना 11 एकम 11, तो आंसर कितना आ जाएगा, कहेंगे बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। मतलब यहाँ पे क्या यन का मतलब भाई संख्या लिखे, नंबर लिखे। ओके चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यदि 20 परिणाम का औसत, सवाल इंपॉर्टेंट है, यदि 20 परिणाम का औसत 40 और 30 परिणाम का औसत 60 हो तो सभी को मिलाने पर कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, सभी को आप मिलाने रहेगा, मिलाने पर परिणाम का औसत क्या होगा। चलिए हल करते हैं इसको, तो आप कैसे करोगे भाई, देखो दोनों परिणामों का योग करो, उसके बाद टोटल संख्या से क्या कर दें भाई, भाग कर दें, तो औसत बराबर क्या होगा, देखें औसत बराबर योग बटे क्या होगा भाई, सभी पदों का योग, योग बटे क्या लिख दें भाई, संख्या लिख दें कुल। देखें यहां पर रखा जाए तो योग कितना हो जाएगा, योग देखिए 20 परिणाम का दे रहा है, तो हमने बताया योग निकालना है, तो आप औसत और संख्या से भाई गुणा किया जाता है, औसत और संख्या का गुणा, यहाँ पे औसत कितना है 40 और संख्या है 20, तो दोनों का गुणा करें, यहाँ पे लिखें 20 गुणे 40। अब सभी को मिलाने पे कहा था, मिलाने का मतलब दोनों का योग करना था भाई, तो प्लस का चिन्ह लगा। फिर अगला निकाल लें 30 और 60 का, 30 गुणे 60, 30 गुणे 60 हो जाएगा यहाँ पे, तो गुणे 60 पूरे का बटा संख्या कितना, पहले 20 परिणाम था, अब कितना परिणाम हो जा रहा है भाई 30, तो टोटल संख्या कितना आ जाएगा, कहेंगे 50 हो जाएगा। हल करें इसको, अब आप इसका गुणा कर लें भाई, तो कितना 4 दूना 8, 800, फिर यहाँ 00 00 देखिए किनारे तो ऐसे उतर, 36 कितना हो जाएगा 18, 1800, पूरा यहाँ बटे क्या लग गया 50। अब इसमें आप जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा भाई, 1800 में 800 जोड़ दे तो हो जाएगा 2600, नीचे आ गया 50। अब 10 से 10 क्या हो गया भाई, कट गया, 5 से भाग करो तो 5 पचम 25, 1 बचेगा, 1 इसके बगल 10, 5 दूना 10, आंसर कितना आ गया, तो 52 आ गया। अब 52 कौन सा ऑप्शन, तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए स्पेशल इसीलिए आपके लिए चल रहे हैं हम लोग, जितना कुछ बताया जा रहा है आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है, और आप अगर बोले हैं नहीं रिवाइज कर पा रहे हैं तो कम से कम संडे स्पेशल क्लास में आप उसको रिवाइज जरूर कर सकते हैं। ओके तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, फिर देखिए परसेंटेज से ही आया है, आयत कह रहा आयत की लंबाई चौड़ाई, तो आयत भी हमने देखिए परसेंटेज में आयत आपसे क्षेत्रफल और एक आयतन पर आधारित प्रश्न हम चले हैं, उसी में से प्रश्न है। देखिए इसमें क्या करना है, आयत की लंबाई एवं चौड़ाई को क्रमशः 20% और 30% बढ़ाया गया है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अभी हमने आपको फार्मूला बताया, इसी पे लगाएंगे x + y + xy बटे 100, वृद्धि कहेगा तो y प्लस, कमी कहेगा तो माइनस। अब आपसे क्रमशः कह रहा 20% और 30% बढ़ाया गया है, तो बढ़ाने का मतलब क्या हो जाएगा भाई, प्लस होगा, तो यहां पर चलिए 20% बढ़ाया गया है तो 20% मतलब 20 लगाया प्लस, फिर कह रहा 30% बढ़ाया गया तो 30%, यहाँ पे दोनों का गुणा 20 गुणे 30 बटे 100। अब इसको हल करें भाई तो कितना हो जाएगा 20 30 50, और यहाँ पे कितना 00 से 00 भाई खत्म, तो 3 दूना कितना हो जाएगा भाई, तो कहेंगे 6। अब इसको जोड़ दें टोटल कितना हो जाएगा भाई, तो कहेंगे 56%, 56% हमारा राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। चलिए उम्मीद है कि आपको भाई अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप भी प्रैक्टिस करते रहो। ओके अगला क्वेश्चन देखेंगे, 25 सेमी और 1 मीटर का अनुपात क्या है, 25 सेमी और 1 मीटर का अनुपात क्या है। देखिए मान चाहे आप इसको मीटर में चेंज करके हल करें, चाहे आप इसको सेमी में बदल लें, दोनों को एक करके आप अनुपात कर सकते हो भाई। यहाँ पे 1 मीटर बराबर कितना होगा, तो कहेंगे 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना होगा भाई, तो कहेंगे 100 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या कह रहा है, अनुपात पूछा रहा है, अनुपात पूछ रहा है भाई, तो अनुपात चलिए निकालिए। तो अनुपात निकालें भाई, यहां पर देखें, यहां पर कह रहा है 25 सेमी, तो 25 अनुपात लगाएं। उसके बाद 1 मीटर कह रहा था, 1 मीटर बराबर भाई 100, तो 100 लिख दिए। आपको काट भी सकते हो, 25 के पहाड़े में आएगा तो 25 से कम 25 और 25 चौका 100, तो आंसर कितना आएगा 1:4। ऑप्शन कौन सा, ये ऑप्शन हमारा क्या होगा भाई राइट। तो जब हल करने लगोगे भाई तो यहीं पे आप डायरेक्ट कर सकते हो। ये कितना आ जाएगा भाई, कहेंगे 100 और 25 से काटेंगे 25 से का क्या हो गया भाई, तो 100 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, अनुपात समानुपात रेशियो भी क्लास के पहले चल चुके हैं, हम लोग पढ़ा चुके हैं, उसमें से पूछा गया है। देखिए कह रहा प्रश्न 4:5 समानुपात 8:1। यहाँ पे 4 अनुपात का मतलब क्या होता है भाई, तो कहेंगे बटा, समानुपात का मतलब क्या होता है भाई, तो कहेंगे बराबर, 8 अनुपात का मतलब फिर से बटा। अब आप इसको हल कर ले, आपका आंसर देखो भाई, अगर काटना है तो आप ऊपर से काट सकते हो, जैसे 4 1 कम कहें 4 और 4 दूना 8, त्रिया गुणा करेंगे तो 1 1 कम 1 और 5 दूना कितना हो जाएगा भाई 10, तो 1 का मान कितना आएगा 10 और कौन सा ऑप्शन हमारा, ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा 8 और 2 संख्याएं हैं, तो इसका प्रथम समानुपाती क्या होगा। क्या कह रहा, प्रथम समानुपाती। देखिए प्रथम समानुपाती आपसे कहे इसका मतलब a का मान निकालना है, द्वितीय कहेगा तो b का मान निकालना है, तृतीय कहेगा तो आपको c का मान निकालना है। यहाँ पे प्रथम कह रहा तो प्रथम के लिए समझ ले भाई ये a का मान निकालना है। अगर ये निकालना है तो कौन सा भाई, 3 ही होते हैं, a b c होगा। अगर a पूछा जा रहा है तो इसका मतलब b और c का मान हमको निकालना है, तो ये b का मान हो गया, ये किसका मान हो गया भाई, तो कहेंगे ये c का मान है। 1 मिनट, किसका मान हो जाएगा भाई, तो ये आपका c का मान हो जाएगा। ओके चलिए देखें इसको फिर कैसे करना है। हम आपको बताया था, एक तो आप फार्मूला लगा सकते हैं प्रथम समानुपाती का। प्रथम समानुपाती का फार्मूला क्या होगा, b² c होता है। या आप नहीं याद है तो आप कुछ ना करें भाई, a लिखें बटे में b बराबर, फिर b लिखें बटे में c, मतलब a बटे b बराबर b बटे c। इतना याद रखें, आपसे चाहे प्रथम पूछे, चाहे द्वितीय पूछे, चाहे तृतीय पूछे, चाहे मध्य पूछे, मतलब द्वितीय का मतलब यहाँ मध्य होगा भाई। ओके आप कर सकते हो, मतलब जिसका मान पूछा जाएगा, द्वितीय पूछा जाएगा तो आपको b का मान नहीं रखना होगा, तृतीय पूछा जाएगा तो c का मान नहीं रखना होगा, जिसका मतलब अगले का मान वो देगा। अब हमसे प्रथम पूछा जा रहा है, इसका मतलब a का मान निकालना है, तो यहाँ पे b का मान कितना है भाई, तो देखो रखते हैं मान a बटे 8, b का मान फिर से 8, c का मान कितना है भाई, तो 2 है। बस इसको हल कर लो भाई, देखो कट जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 चौक 8, तिरछा गुणा करें तो 1 कम 1, इसका 8 चौक 32, 8 चौक कितना हो गया भाई 32। तो ऑप्शन कौन सा सही, तो कहेंगे डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला कह रहा चतुर्थ समानुपाती क्या होगा। देखिए चतुर्थ समानुपाती आपसे पूछा जा रहा है यहां पर, तो चतुर्थ समानुपाती अगर आपसे देखिए यहां पे चतुर्थ समानुपाती जब भी आएगा 3 मान देगा, 4वां मान आपसे पूछा जा रहा है, तब इसमें 4 मान हो जाते हैं a b c d। तो आपको कैसे करना है ये सबसे पहले, अगर आपसे प्रथम पूछता देखिए अंक 3 है, अभी तक 2 ही अंक थे तो वहाँ 3 ही अक्षर काम में लेते थे a b c, लेकिन यहाँ पे 4 हैं तब 4 लेना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको मान को रखें जो पहला दे, अनुपात लगाएंगे, दूसरा रखेंगे, फिर आप समानुपात का चिन्ह लगाएंगे। मान देखिए सेट कैसे किया जाएगा, समानुपात, उसके बाद तीसरा कितना दे रहे हैं अंक, तो कहेंगे 2, फिर समानुपात, चौथा पूछा जा रहा है जिसको पूछा जाए उसी के स्थान पर x लिख दो, ठीक है। अगर आपसे द्वितीय पूछा जाए तो आप इस पर x लिखिए, तृतीय पूछा जाए तो इस पर, अगर प्रथम पूछा जाता इस पर आप x लिखेंगे। अब सॉल्व कर लो, आपका आंसर कैसे, अनुपात का मतलब भाई बटा होता है, समानुपात 2/1। देखिए गुणा अगर ऊपर से कट रहा है तो काट सकते हैं, 2 1 कम 2 और 2 चौक कितना, सॉरी 2 दूना 4। अब आप तिरिया गुणा कर लें भाई, तो तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x, इसका गुणा करेंगे तो 5 1 कम 5। अब ये 2 देखिए भाई बीच में कोई चीज नहीं तो गुणा होता है, गुणे में तो इधर किस पे जाएगा मान, कहेंगे बटे में, तो मान आ जाएगा 5/2। तो आंसर कौन सा भाई, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए भाई ये टाइम एंड वर्क का प्रश्न है, चलिए यहाँ पे भी पढ़ाया नहीं गया क्लास में, लेकिन यहाँ हम आपको इसको बता दे रहे हैं जरूर। देखिए सबसे बेहद आसान रहेगा टाइम एंड वर्क, जब पढ़ाएंगे तो ईजी है, कोई भी सूत्र नहीं लगेगा, हम आपको जो भी सिखाएंगे बहुत अलग तरीके से सिखाएंगे, जो भी आप बड़े से हल करते हैं प्रश्न सबसे आसान मेथड बताएंगे। चलिए इसको सबसे पहले देखना है कैसे करना है। जैसे 2 व्यक्ति हैं भाई, 2 व्यक्ति कौन कौन है, ए है और बी है। देखें ए कह रहा है ए किसी काम को क्रमशः 16 दिन में, मतलब ए कितने दिन में कर रहा है भाई, तो कह रहा है 16 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो कहेंगे 24 दिन में। तो हम टोटल काम निकाल लें, टोटल काम निकाले कुल काम कितना है, तो टोटल काम निकालने का मतलब भाई इसका लासा ले लें, क्या ले लें, लासा। 16 और 24 का लासा कितना होगा, तो कहेंगे 48 होगा। देखिए लासा का मतलब ऐसी संख्या लो भाई जिससे जिसमें आपका भाई 16 का भी पहाड़ा चला जाए और 24 का भी पहाड़ा चला जाए। अगर हम देखिए 24 का पहाड़ा 48 में जाएगा, 16 का भी जाएगा, या आप इसी पहाड़े को बढ़ाते जाओ, 24 24 दूना 48, वैसे 16 का बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 16 दूना 32, 16 या 48, जहां दोनों एक मिल जाए वही संख्या हमारा क्या होता है, लासा होता है। अब आगे देखें, लासा आप इसका 2 गुना भी ले सकते हैं, आंसर वही आएगा। चलिए करते हैं। अब आप एक दिन की क्षमता निकाला जाता है भाई, एक दिन का काम कितना है। जैसे एक दिन में 16 का पूरा काम समाप्त करने में 16 दिन, भी 24 दिन ले रहा है, तो टोटल काम कितना मिल गया, कहेंगे 48 मिल गया। कितना मिल गया, 48। अब हम ए का एक दिन का काम निकाल लेते हैं कि एक दिन में वो कितना काम करेगा, तो 16 से भाग करें तो 16 तिया 48, कहेंगे एक दिन में वो 3 काम करेगा भाई। कितना काम करेगा, कहेंगे 3 काम। बी निकालें तो 24 दूना 48, तो बी काम किया कितना भाई, एक दिन में उसकी क्षमता है 2 काम करने की। अब आपसे कह रहा है कि दोनों मिल जाएं तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा, तो देखिए दोनों मिलकर काम करने में, या दोनों द्वारा, एक मिनट, दोनों मिलकर काम समाप्त है भाई, एक समाप्त तो करेंगे बराबर, चाहे ऐसे लिखे चाहे आप ए प्लस बी लगा दो, दोनों का मतलब जुड़ गए हैं तो मिलना है। तो टोटल काम कितना है भाई, तो कहेंगे 48 काम है, कुल काम कितना है 48। अब ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, कहेंगे 5 काम होगा। 3 2 कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख दें, 5। अब आप इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर ले, आपका आंसर अगर ऐसे दिख रहा है तो आप ऐसे लगा दें। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, तो कहेंगे ए नंबर आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी लोग फार्मूला भी लगाते हैं, तो आप फार्मूला बेस भी कर सकते हो भाई, आंसर आपका आएगा, लेकिन उस तरह ना लगाएं, इसी पे सीखें सबसे, क्योंकि चाहे 2 पूछेगा चाहे 3 पूछेगा चाहे 4 पूछेगा, सब ऐसे ही हल करना है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपका प्रश्न इजी बनाऊंगा, ठीक है। चलिए अगला देखें, अगला प्रश्न फिर देखिए आपका टाइम एंड वर्क से ही है भाई। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं, ए अकेला इस काम को 24 दिन में करता है, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। अब आपसे कह रहा ए और बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में, तो ए प्लस बी दोनों मिल रहे हैं भाई, कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो 16 दिन में। उसके बाद कह रहा है कि ए अकेला, ए का मान दे रहा, ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, तो 24 दिन में। दोनों का भाई लासा लो, तो लासा लेंगे तो कितना आएगा, फिर से वही 48 आएगा लासा, इसके पहले वाले में लिए लासा 48 आया। अब आप इन दोनों के द्वारा देख लो एक दिन में कितना क्षमता है काम करने की, तो 16 से भाग करें, 16 या 48, एक दिन में 3 काम। ए अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, 24 दूना 48। अब हमसे पूछा रहा किसका मान, बी का मान पूछ रहा है, तो बी अकेला काम करेगा बराबर, बी अकेला काम करेगा, काम करेगा बराबर। देखो भाई टोटल वर्क कितना है, तो कहेंगे 48 है, बटे लगाएंगे। अब आपको यही प्रश्न में समझना है, अच्छा ए और बी मिल रहे थे तो एक दिन में कितना कहें काम कर रहे थे, 3 काम कर रहे थे, लेकिन आपको यहाँ पे पता है ए अकेले एक दिन में उसकी क्षमता कितना है काम करने की, कहेंगे 2, इसका मतलब 2 इसमें है, तो बी अकेला इस काम को कितना भाई 1 काम कर पाएगा, मतलब इसी में से 2 क्या करे भाई माइनस कर दें। यह आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 2 जो है इसके स्थान पर रख दो, तो 2 प्लस में रहेगा, इधर आएगा किसमें हो जाएगा, कहेंगे माइनस में, 3 में से 2 जाएगा तो क्या होगा भाई 1, तो मतलब बी की क्षमता है एक दिन में काम करने की, 1 काम करेगा। अब आपसे टोटल काम कितना, तो 1 से भाग करोगे तो 1 की वैल्यू नीचे होगा नहीं, तो आ जाएगा आपका 48 दिन, क्या होगा भाई 48 दिन, तो कौन सा ऑप्शन, तो कहेंगे बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। ठीक है, जब हम इसको लेके चलेंगे टाइम एंड वर्क तो आपका बेहद आसान ढंग से बताएंगे। तो आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है भाई इसको रिवीजन करो और संडे स्पेशल जरूर पढ़ा करें, इसको शेयर भी किया करें आप लोग, ठीक है। और चलिए हम अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।